startup. We are two friends and we have started a startup named the Anthea Hijabs by Anna and Haifa. So we sell our anti-tarnish jewelry, modest wear, all the hair accessories. As you can see, we also have the some part sex hijabs. आप खुद देखिए, बहुत बड़ी एग्जीबिशन है और ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि सब छोटे लड़कियां हैं इसमें और सब ने ये पार्टिसिपेट किया है। और अगर आप देखेंगे कि बहुत एंथुजियाज़म है इनमें, ऑलरेडी ऑनलाइन ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और इसमें हमारे साथ जो ताउन किया है, हमारे पास सभा जी आई और यूनिवर्सिटी का एक अपना जो ऑब्जेक्टिव है, वी ट्राई टू एनकरेज दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे मैनेजमेंट है, विमेन स्टडी सेंटर है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, हम ऐसी एग्जीबिशंस करते हैं। तो ये जो आपने देखा होगा, इससे क्या होता है, एक एनकरेजमेंट। कश्मीर में सुर में ताहावानी, अभी हम मौजूद है कश्मीर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 3 डेज एग्जीबिशन चल रहा है। अगर हम बात करेंगे इस एग्जीबिशन की, तो इसका थीम है द पिंक रेवोल्यूशन। अभी हमारे साथ मौजूद है एक यंग एंटरप्रेन्योर, इनसे जानते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचती है और कैसी इन्होंने जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए, तो आप कहाँ से? मेरा नाम महक है, मैं डलगेट से हूँ। तो अगर हम बात करेंगे आपके प्रोडक्ट्स की, जैसे कि यहाँ पे रेजिन आर्ट बनाया है, तो कैसे क्या स्टार्ट किया और कब से आप इस काम के साथ मुंसलिक हैं? मैं इस काम से के साथ 10th class से हूँ। 10th class में मैंने बिजनेस अपना अच्छे से मतलब रिस्पांस आया मुझे कस्टमर्स से, बट मैंने स्टार्ट किया था इन grade 7, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। 10th class में मैंने अच्छे से स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करेंगे, अभी आप यंग ही है, आइडिया कहाँ से आया और सपोर्ट किन किन से मिला, हर्डल्स क्या क्या देखी आपने? सपोर्ट मिला मुझे अपने प्रीवियस स्कूल से, इट वाज IDPS, एंड मुझे सपोर्ट मिला मेरे पापा से बहुत ज़्यादा। तो और मैं अभी करती हूँ रेजिन के साथ एनग्रेविंग करती हूँ मैं, निकाहनामा, डिजिटल वर्क, हैंड रिटन कैलीग्राफी, हर एक प्रोडक्ट पे हमारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। नियॉन लाइट, फ़ोन केसेस, विंटेज कवर्स, एवरीथिंग। तो सीखा कहाँ से आपने और अगर हम बात करें कि आइडिया कहाँ से आया? सीखा मैंने 7th class में, मैंने YouTube से सीखा था इंग्लिश कैलीग्राफी एंड आर्ट वर्क के साथ बचपन से था। फिर 10th class में मैंने स्टार्ट किया अरबिक कैलीग्राफी YouTube वगैरह से। इंसान के पास सोर्सेज होते हैं बट वो राइट टाइम पे यूज़ नहीं, वो आइडियाज़ फिर बाद में आते हैं। एंड फिर रेजिन आर्ट का भी इंफॉर्मेशन YouTube पे इंसान को हर एक चीज़ मिल जाती है। फिर मैंने रेजिन वर्क किया, उसमें अपने आइडियाज़ डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे। डू यू थिंक दीज एग्जीबिशंस विल मेक अ चेंज इन वुमेन्स? क्योंकि अगर हम बात करें एग्जीबिशन की, जो वुमेन स्टैंड होना चाहती है, ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए ताकि वो अपना कुछ स्टार्टअप कर सके। ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए। मैंने लास्ट ईयर मेरा पहला एग्जीबिशन था मेरे प्रीवियस स्कूल IDPS में ही, तो वहाँ पर भी जब मैंने इंटरेक्ट किया कस्टमर से, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जब कस्टमर आपको रिव्यू दे रहा था सामने इंसान, वहाँ पे वो भी सैटिस्फाई था और मैं भी सैटिस्फाइड थी। एंड फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन भी ऑर्डर्स दिए, वहाँ पे मुझे उनके साथ फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन हुआ, उन्होंने मुझे जाना, मैंने उनको जाना। एंड देन उसके बाद था चिरगिश वाला इवेंट, उस टाइम मुझे लगा था मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने जितना इन्वेस्ट किया मुझे उतना नहीं मिला, मगर देन जब मैंने घर बैठ के सोचा कि नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, मुझे प्रोफेसर्स ने मेरे साथ इंट्रैक्ट किया, उन्होंने मुझे जाना, मैंने उनको जाना, एंड देन वो चीज़ मुझे लगी कि नहीं, मैंने कुछ वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैंने जीता वहाँ पे। तो एग्जीबिशंस होने चाहिए, लड़कियाँ भी आगे आती है जब उनको इन एग्जीबिशंस के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ पर सभा मैम ने भी कल इतना अप्रिशिएट किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो इस वजह से मुझे लगता है ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए कश्मीर में, तो इनकी बहुत ज़रूरत है। एंड अभी मैक्सिमम लड़कियाँ काम करना चाहती है कश्मीर में। तो जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे, और इनका यही कहना है कि ऐसे स्टॉल्स लगने चाहिए ताकि जो भी यंग गर्ल्स हो या वुमेन हो, वो अपना स्टॉल खड़ा कर सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं फिर से कैमरामैन से गुजारिश करूँगी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाए, अगर हम बात करेंगे तो ये रेजिन आर्ट यहाँ पे है जो इन लोगों ने इन्होंने यहाँ पे बनाया है। हमारे साथ एक और वुमेन एंटरप्रेन्योर है, इनसे बात करते हैं, और इनमें यहाँ पे स्टॉल लगे। अगर बात करेंगे स्टॉल की, तो ज्वेलरी कस्टमाइजेशन यहाँ पे है, इनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम महरा शबीर है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, जो मैं नॉर्थ कैंपस इंजीनियरिंग कर रही हूँ CSE में।
तो मैंने अपना स्टॉल लगाया है जहाँ मैं ब्रेसलेट्स बेचती हूँ, कस्टमाइजेशन ब्रेसलेट्स एंड मच मोर. देयर आर एंटी टार्निश ब्रेसलेट्स आल्सो अवेलेबल इन आवर स्टॉल्स, इयररिंग्स. और बात करेंगे, आप इंजीनियरिंग कर रही हो और इस फील्ड में आना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, तो कैसे क्या आइडिया आया? एक्चुअली तो पहले से था कि मुझे ये कुछ करना है, बट मुझे आइडिया नहीं आ रहा था फ्रॉम कोविड. एक्चुअली वी स्टार्टेड, मेरी बहन स्टार्ट कैलीग्राफी का किया था एंड आई वाज इन 12th, मेरा एग्जाम था. तो शी टोल्ड मी दैट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर लिखेंगे. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था. मैंने बोला था मैं कैलीग्राफी स्टार्ट करूँगी और बहुत सारे आइडियाज़ आए, बट वो स्टिक नहीं हो रहा था किस पे जाऊँ. तो मैं बहन के साथ बहुत सारे एग्जीबिशंस में गई हूँ और मेरे को ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा है, आई लव ज्वेलरीज. सो मैंने कहा वाई नॉट स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स. तो मैंने स्टार्टिंग में तो कस्टमाइजेशन ब्रेसलेट्स का बोला था कि चलो ऐसे स्टार्ट करेंगे फिर देखते कहाँ पहुँचेगा. इवन ऑल आई नो कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है इसका, क्योंकि आजकल हर एक जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है या कहीं पर भी हम देखेंगे तो आम हो गया है. मैंने बोला नहीं लेट्स स्टार्ट, मेरे घर वालों ने भी बोला नहीं इसमें नहीं होगा, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी. फर्स्टली माई सिस्टर सपोर्टेड मी अलॉट, उसने मेरे पेज भी सब कुछ हैंडल किया एंड ऑल दैट, वो आइडियाज़ देती थी मुझे. तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम मैंने ऐसी ज्वेलरीज ये लाई एंड आई स्टार्ट बाइंग दिस और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला. अल्लाह का शुक्र, इन्होंने खुद बनाए हैं. बस मकसद यही है कि इनका कि जो ये काम कर रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और जो एग्जीबिशन से ऐसी एग्जीबिशन यहाँ पे होनी चाहिए.